नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बबीता मलिक जी, तुलसी जी, प्रमोद जी, रीनू मिश्रा जी, कविता जी, सोनी जी, तुलसी जी, दीपाली जी, आनंदिता जी, सरिता जी, अनूप जी, दिलखुश जी, प्रांजल जी, माधुरी जी, स्टडी विद मी जी, राधा पटेल जी, संतोष कुमार जी, वैश जी, रमाशंकर जी, मोनू त्रिपाठी जी, पुपरी कलाम जी, रीनू मिश्रा जी, पूरन सिंह जी और मनीषा तिवारी जी, सरिता यादव जी, उषा ओझा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। चलिए, आज हमारा रीतिकाल का आठवां ये एपिसोड है, रीतिकाल का आठवां वीडियो है। शुरू करते हैं जल्दी से। रूपशाही, ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने 1813 में रूप विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहे में ही कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, नायिका भेद आदि है। दो दोहे नमूने के लिए दिए जा रहे हैं। चलिए इनके दोहे पढ़ लेते हैं। जगमगाती सारी जरी, झलमल भूषण ज्योति, भरी दुपहरिया तिया के भेंट पिया सो हो, लालन बेग चलो ना क्यों बिनहा तिहारे बाल, मार मोर मरोरन सो महति करिए परस निहाल। ठीक है, इसके बाद ऋषिनाथ का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ध्यान से इनको सुन लीजिए तो बाई चांस कुछ आ जाए तो दिमाग में आपके रहेगा। ऋषिनाथ, ये असमी के रहने वाले बंदीजन प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। काशीराज के दीवान सदानंद और रघुबर कायस्थ के आश्रय में रहने में इन्होंने अलंकार मणि मंजरी नामक एक अच्छी पुस्तक बनाई, जिसमें दोहों की संख्या अधिक है। ऋषिनाथ ने अलंकार मणि मंजरी नाम जो पुस्तक थी वो ऋषिनाथ ने लिखी थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिए कहीं। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट बताती जा रही हूँ, अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्पष्ट आपसे कह रही हूँ, इसलिए उसको अंडरलाइन करते चलिए, अपने नोट्स अलग बनाइए, लिखते चलिए, तो आपके लिए सही रहेगा। हर बार आप पूरी किताब का रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आपको कहीं अलग या तो अंडरलाइन में होना चाहिए, या आपको याद होना चाहिए, या आपको समझ होनी चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पे भी हैं, लेकिन दोहों की संख्या अधिक है। इसका रचना काल संवत 1831 है, जिसमें इनकी वृद्धावस्था, ये इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है, मतलब बुढ़ापे में लिखा था इन्होंने। ठीक है, बुढ़ापे में ही मणि निकाल के ला सकते हैं, इसका अनुभव काफ़ी हो जाता है इस टाइम तक। इसका कविता काल संवत 1790 से 1831 तक माना जा सकता है। कविता ये अच्छी करते थे, एक कवित्व दिया जा रहा है, देखिए दोहे थे ज़्यादा, शुक्ल जी ने यह उदाहरण में कवित्व दिए। चलिए, जो दिया शुक्ल जी ने वो हम पढ़ लेते हैं। छाया छत्र हवै करी, करत मही पालन को, पालन को पूरो फैले रजत अपार हवे, मुकुट उदार हवे लगत सुखन श्रोणन में, जगत जगत हंस हास हीर हार हवे, ऋषिनाथ सदानंद सुजस बिलंद तम तम वृंद के हरैया चंद्र चंद्रिका सुधार हवे, हीतल को शीतल करत घनसार हवे, महितल को पावन करत गंगधार हवे। बैरी लाल की बात करते हैं, बैरी साल, सॉरी बैरी लाल नहीं, ये असनी के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। ठीक है, इन्होंने उनके वंशधर में अब तक इनके वंशधर अब तक असनी में है। ठीक, इन्होंने भाषाभरण नाम का एक अच्छा अलंकार ग्रंथ संवत 1825 में बनाया था, जिसमें प्रायः दोहे ही हैं, ऋषि जी और ये बैरी जी, ज़्यादा इनके उसमें दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरल हैं और अलंकारों के उदाहरण के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, दो दोहे नीचे उद्धृत हैं। नहीं कुरंग नहीं नहीं कुरंग नहीं ससक ये, नहीं कलंक नहीं पंख, बीस बिसे बिसहा वही गही दी थी शशि अंक, करत कोकनद मद ही रद तो व पव हर सुकुमार, भय अरुण अति दवि मनो पाए जेब के भार। ठीक है, दत्ता, ये मणि माढ़ी जिला कानपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे और चरखारी के महाराजा खुमान सिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1830 माना जा सकता है। इन्होंने लालित्य लता नाम का एक अलंकार पुस्तक लिखी है, जिसमें ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। ये सवैया, एक सवैया नीचे दिया जा रहा है इसमें। ये मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ, जो जहाँ से अब तक आयोग ने बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे,
उनके भी आपको कम से कम रचनाओं के नाम पता होने चाहिए। तो जैसे अभी बैरी साल जी हैं और ये दत्ता हैं, और इनके कम से कम रचनाओं के नाम आपको याद जरूर होने चाहिए। तो ये दत्ता की है लालित लता, ज़्यादातर लोगों को नहीं याद होगी, मुझे अंदाज है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। ग्रीष्म पे तपे भीषम भानु, गई बन कुंज सखीन को भूल सो, घाम को बाम लता मुरझानी, बयार करे घनश्याम दुकूल सो, कंपत यो प्रकटियो धन स्वेद उरोजन दत्ता थोड़ी सो मूल, जो द्वय अरबिंद कलीन पे मानो गिरे मकरंद गुलाल के फूल सो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रतन कवि का। इनका व्रत कुछ ज्ञात नहीं है। शिव सिंह ने इनका जन्म काल संवत 1798 लिखा है, इससे ये कविता इनका कविता काल 1830 के आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह सिंह के यहाँ रहते थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने फतेह भूषण नाम का एक अच्छा अलंकार ग्रंथ बनाया है। इसमें लक्षणा व्यंजना काव्य भेद ध्वनि रस दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण में श्रृंगार रस के पद्य ना रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कवित्व बहुत रखे हैं रतन कवि ने। संवत 1837 में इन्होंने अलंकार दर्पण लिखा। इनका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी बहुत मनोहर और सरस है। ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। बैरिन की बाहिनी को भीषण निघाद रवि, कुबले केली को सरस सुधा करु है, दान धान झरी सिंदूर है, जग को वसुंधर है, वसुधा बुबुधा पुलनी को फलित काम तरु है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं इसको आगे नहीं देख रही हूँ, बहुत सारा लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं नाथ, हरिनाथ। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने 1826 में अलंकार दर्पण नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया था। इसमें एक एक पद के भीतर कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम औरों से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए, फिर एक साथ सबके उदाहरण कवित्त आदि में देते गए। ठीक है, ये थोड़ा सा नया अपन इन्होंने किया था। कविता साधारणता अच्छी है, एक दोहा दिया है। तरुणी लसत प्रकाश में, मालित लसत सुबास, गोरस गोरस देत नहीं, गोरस चाहत खुलास। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मणिराम की। मणिराम मिश्र ये कनौजिया निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1829 में छंद छप्पनी और आनंद मंगल नाम से दो पुस्तकें लिखी। छंद छप्पनी, आनंद मंगल, मणिराम, क्या रखेगा। आनंद मंगल भगवत स्कंद का के पद्य में अनुवाद है। छंद छप्पनी छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है। वो छंद नाम ही आ रहा है तो आपको इसे पता रहेगा। चंदन ये नाहिल पुवाया जिला सहजानपुर के रहने वाले बंदी जन थे और गौड़ राजा केसरी सिंह के पास रहा करते थे। श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कल्लोल तरंगणी ये इनके तीन रीति ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त जो और ग्रंथ हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। केसरी प्रकाश, चंदन सतसई, पथिक बोध, नक्सिक, नाममाला कोश, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, शीत बसंत, कृष्ण काव्य, प्रज्ञा विलास। ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने काव्याभरण संवत 1845 में लिखा। फुटकर रचना तो इनकी अच्छी है ही। शीत बसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में लिखी। शीत बसंत है ये प्रबंध काव्य है। शीत बसंत की रोचक कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है। उसमें विमाता के अत्याचार से पीड़ित शीत बसंत नाम के दो राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। ठीक है, शीत और बसंत नाम के दो राजकुमारों की कथा है, लंबी सी कथा है, जो अपनी विमाता यानी सौतेली माँ के अत्याचारों से पीड़ित थे। उनकी पुस्तक की सूची देखने पर यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति ग्रंथों तक बद्ध नहीं रहकर साहित्य के और अंगों पर भी थी। ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तकल्लुस संदल रखते थे। ठीक है, चंदन जो अपना फारसी में नाम संदल रखते थे। इनका दीवाने संदल कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता काल संवत 1820 से 1850 तक माना जा सकता है। इनका एक सबैया नीचे दिया जा रहा है। ब्रजवारी गांवरी दैजाने कहाँ यह चातुर तान लुगायन में।
ठीक है, पुनि बारी नि जानी अनारी नि है रुचि एति न चंदन नायन में, छवि रंग सुरंग के बिंदु बने लगे इंद बदु लघुतायन में, चित जो चहे दी चकी सी रह दी कहीं दी मेहंदी इन पायन में। देवकी नंदन दे कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम ससली शुक्ला था। इन्होंने संबत 1441 में श्रृंगार चरित्र और 1841 में श्रृंगार चरित्र और 1857 मंत अवधूत भूषण और सरफराज चंद्रिका नामक रस और अलंकार ग्रंथ बनाए। समत 1843 में ये कुंवर सरफराज गिरी नामक किसी सद्धानाढ्य महंत के यहाँ थे, जहाँ इन्होंने सरफराज चंद्रिका नामक अलंकार ग्रंथ लिखा। इसके उपरांत ये रुद्दामऊ जिला हरदोई के रहीस अवधूत सिंह के यहाँ गए, जिनके नाम पर इन्होंने अवधूत भूषण बनाया। इनका नक्षिक भी है, शिव सिंह सरोज को इनका नक्षिक ही पता है, दूसरे नक्षिक का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का नहीं। श्रृंगार चरित में रस भाव नायिका भेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं। अवधूत भूषण वास्तव में इसी का कुछ प्रवर्धित रूप है। इसकी भाषा मंझी हुई और भाव प्रौढ़ है। बुद्धि वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कला वैचित्र की ओर झुकी हुई होने पर इनकी कविता में लालित्य और माधुर्य पूरा है। कविता के दो उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। बैठी रंग रावटी में हेरत पिया की बाट, आए न बिहारी भई निपट अधीर में, देव की नंदन कहें श्याम घटा घिरी आई, जानी गति प्रलय की डरानी बहुरी बहुबीरी में, शेष पे सदा शिव की मूर्ति बनाए पूजी, तीन डर तिनहू की करी दरबीर में, पाखन में सामरे सुलाखन में अखै बट, ताखन में लाखन की लिखी तस्वीर में, मोतिन के माल तोरी चीर सब चीरी डारे, फेरी न अजो आली दुख बिकरारे हैं, देव की नंदन कहें धोखो नाग छौकन के, अलके प्रसून नोच नोच निरबारे हैं। अब इसके आगे ये देख लीजिएगा, आगे हम चलते हैं, क्योंकि इनमें आपको ज़्यादातर ये ध्यान रखना है इनके ग्रंथ और रचनाकार का नाम, बाकी अभी इनसे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। महाराज राम सिंह ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर तीन ग्रंथ लिखे हैं, अलंकार दर्पण, रस निवास जो 1839 में लिखा गया, रस विनोद जो 1860 में। अलंकार दर्पण दोनों में है, नायिका भेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे। उदाहरण देखिए, सोहत सुंदर श्याम सुर मुकुट मनोहर चोर, मानो नीलमणि सैल पर नाचत राजत मोर, दमकन लागी दामिनी करन लगे घन रोर, बोलत माति कोयले बोलत माते मोर। भान कवि, इनके पूरे नाम का पता नहीं है, ठीक है, इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने संबत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया था, जिससे केवल इतना ही पता लगा है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रणजोर सिंह बुंदेल के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के प्रायः बराबर ही वीर भयानक अद्भुत आदि रसों में रखे हैं। इससे इनके ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है, जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्षों के पिष्ट पेषण से उबे हुए पाठक को विराम सा देती है। भान कवि, ठीक है, इनकी कविता में भूषण की सी पड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ट और परमार्जित है। यहाँ पर ये पंक्ति थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, भान कवि के बारे में कही गई है, क्योंकि भूषण आदि को इसमें जोड़ दिया गया है तो पूछा जा सकता है। इनकी कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो नहीं है, पर रचना पुष्ट और परमार्जित है। शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा? भान कवि के बारे में। रनमत वारे ये जोरावर दुलारे, तब बाजत नगारे भय गालब दिगीस पर, दल के चलत खर भर होत चारों ओर, ठीक है, चालत धारनी भारी भार को सो फनीस पर, देख के समर सन्मुख भयो ताही समय, बरनत भान
बैज कैके बीसे बीस पर तेरी समशेर की सिफत सिंह रतन जोर लखी एक एक ही सात हाथ अरिन के शीश पर। चलिए आगे का देख लीजिएगा, ये पंक्तियाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। थान कवि ये चंदन बंदी जन के भांजे और डोंडिया खेरे जिला राय बरेली में रहते थे। इनका पूरा नाम थान राय था। इनके पिता निहाल राय और पिता महा सिंह और प्रपितामह लाल राय थे। इन्होंने संबत 1848 में दलेल प्रकाश नामक रीति ग्रंथ चंडरा बैसरवाड़ा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया। थान कवि ने क्या लिखा था? दलेल प्रकाश। रचनाएं सारी आप याद रखिएगा। इस ग्रंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गढ़ विचार, रस, भाव, वेद, गुण, दोष आदि सब आदि का कुछ निरूपण है और कई कई अलंकारों के कुछ लक्षण भी दिए गए हैं। कई कई राग रागनियों के नाम आए हैं तो उनके भी लक्षण कह दिए हैं। पुरानी टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्र काव्य भी रखे गए। सारांश यह है कि इन्होंने कोई सर्वांग पूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा। अनेक विषयों पर अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। इसमें ये सफल हुए। ये अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना है। भाषा में मंजुलता और लालित्य है। स्ववर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की है। यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानमती का पिटारा ना बनाया होता, थान ने भानमती का पिटारा ना बनाया होता और एक ढंग पर चलते तो इनकी बड़े कवियों की सी ख्याति होती, इसमें संदेह नहीं है। रचना के दो नमूने दिए गए हैं। दासन पे दाहिनी परम हंस वाहिनी हो, पोथी कर बीना सुरमंडल मड़त है, आसन कवल अंग अंबर धवल, मुख चंद सुन अमल रंग नवल चढ़ते हैं। ऐसी मात भारती की आरती करत थान, ताको जही विधि ऐसो पंडित पढ़ते हैं, ताकि दया दीठी लाख पाथर निराखर के, मुखते मधुर मंजु आखर करते हैं। कलुस हरनी सुख करनी सरन जन, बरनी बरनी जस कहत धार निधार, कलिमल कलित बलित अग खलगन, लहत परम पद कुटिल कपट तर, मदन कदन सुख सदन बदन शशि नमल अमल नवल दुति भजन भगत वर, सुर सरि तव दल दरस परस करि, सुर सर शुभ गति लहत अधम नर। बेनी बंदीजन ये बैती जिला राय बरेली के रहने वाले और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। ये ध्यान रखिएगा, इनका आश्रयदाता बेनी बंदीजन के। इन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नाम का अलंकार ग्रंथ संबत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में इन्होंने रस का निरूपण किया है। ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने कि ये अपने भड़ोगों के लिए। इन भड़ोवों का एक संग्रह भड़ोवा संग्रह नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये जो भड़ोवा हास्य रस के अंतर्गत आता है, इसमें किसी की उपहास पूर्ण निंदा की जाती है। ये प्रायः सब देशों के साहित्य का अंग रहा है। जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हजो का एक विशेष स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी में सटायर का। पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस, अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं और यूरोपीय साहित्य में समसामायिक कवि और लेखक। इसमें यूरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती है। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, उर्दू साहित्य में हजों के लिए सौदा प्रसिद्ध है। उन्होंने किसी अमीर के दिए गए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाला लोटपोट हो जाता है। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथिनी की निंदा की है। ठीक है, मतलब ये भड़ोबा होते हैं, ये हास्य ग्रंथ होते हैं जिसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा की जाती है। अब ये हथिनी की निंदा देख लीजिए। तिमिर लंग ले मोल चली बाबर के हल्के, रही हिमायू संग फेरी अकबर के दल से। अब ये देखिए कितनी पुरानी हो गई हथनी, ये बताया जा रहा है। तिमिर लंग ले मोल चली बाबर के हलके, रही हुमायूं के संग फेरी अकबर के दल के, जहांगीर जस लियो पीठ को भार हटायो, सह जहां करी न्याव ताई पुनी माढ़ी चढ़ायो।
बल रहित भई पौरुष थक्यो भगी फिरत बन चार डर औरंगजेब करनी सोई ले दीनी कविराज कर। समझे? इस पद्धति के अनुयायी बेनी जी भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की और कहीं छोटे आम पाए तो उसकी निंदा जी खोल कर की। समझ रहे हैं ना? अगर आश्रयदाता ने इन्हें कुछ ऐसा दिया जो इन्हें नहीं पसंद आया तो बड़ोबा में इन्होंने उसकी जी खोल के निंदा की है, मतलब एक हास्य रूप में निंदा की है। जिस पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर भी छींटा दे दिया करते थे, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललक दास महंत, इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें राम कथा का बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही गई है, पर कुछ कृपा की है। ललक महंत दास पर कुछ कृपा की है, मतलब उनके उनको भी अपने इस हाथ से उसमें शामिल किया है। जैसे बाजे बाज ऐसे डल मऊ में बसंत जैसे मऊ के जुलाहे लखनऊ के ललक दास, ये इनके लिए कहा है। इनका टिकैत राय संबत 1839 में और रस विलास संबत 1849 में, क्षमा चाहूँगी, और रस विलास संबत 1874 में बना। अतः इसका कविता काल 1849 से 1880 तक माना जा सकता है। कविता के कुछ नमूने दिए गए हैं, देख लेते हैं। अली डसे आधार सुगंधा पाए आनंद को कानन में ऐसे चारु चरण लगा ललाए चलाए हैं फट गई किंचुकी लगे ते कंठ कुंजन के बेनी बरहीन खोली बार छवि छाए हैं बेग ते गवन कीनी धाक धाक होत सीनो उर्धा तर उसाने तन सेद सर साए हैं भली प्रीति पाली बन माली के बुलाई बेको मेरे हित आली बहु तेरे दुख पाए हैं घर घर घाट घाट बाट बाट ठाट बाटे बेला और कुबेला फिरे चेला लिए आस पास कबिन सो बाद करें भेद बिन नाद करें महा उन्माद करें धर्म करम नाश बेनी कवि कहे विभिचारिन को बाद सा अतन प्रकाशन न सतन सरम तास लल ना ललक नैन मैन की छलक हंसी हेरत अलक रद खलक ललक दास। अब आप आगे इनके उदाहरण देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम बेनी प्रवीण। ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दया कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उल ललन के आश्रय में रहते थे, जिनकी आज्ञा से संबत 1874 में इन्होंने नवरस तरंग नामक ग्रंथ बनाया। इनके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ भी ये इसके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ भी ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास विठूर भी गए और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा, नाना राव प्रकाश कवि प्रिया के ढंग पर लिखा है। खेद है कि इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है, बेनी प्रवीण का। इनके फुटकल कवित्व तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं बेनी बंदी जन जो भड़ोवा वाले इसके पहले पढ़े थे, से एक बार इनका कुछ वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने प्रवीण की उपाधि दी थी। ठीक है, इनसे बात हो गया था, उसी से प्रसन्न होकर इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सब पत्नी मतलब पत्नी के साथ आबू चले गए, वहीं इनका शरीर पात हुआ, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हुए। इन्हें कोई पुत्र ना था। इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है, उसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है। उदाहरण और रसों के भी दिए हैं, पर रीतिकाल से के रस संबंधी और ग्रंथों की भांति ये श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम कीड़ा की बहुत सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं है। ऋतुओं का वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं। इसमें प्रथानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं। ये ब्रज भाषा के मति राम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक को टक्कर देते हैं।
जान पड़ता है श्रृंगार के सवैये के लिए ये विशेष श्रृंगार को सवैये के लिए विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। भोर ही न्योत गई ते तमहे वह गोकुल गांव की ग्वालिन गोरी अधिक राति लो बेनी प्रवेन कहा ढिग रात करी बरजोरी। आवे हसी मोहे देखत लालन भाल में दीनी महावर खोरी ऐसे बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहूँ मांगन रंचक रोरी। ठीक है, बाकी आप ये देख लीजिएगा, हम आगे चल रहे हैं, बहुत सारा दिया हुआ है। उदाहरण इनके इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है इसीलिए और भी मैं पढ़ नहीं रही हूँ। जसवंत सिंह गति है, एक जसवंत सिंह हम पढ़ के आए हैं अगर आप लोगों को याद होगा तो। ये बाघेल क्षत्रिय और तेरवा कन्नौज के पास के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थी। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ हैं। इनका कवित्त काल संवत 1857 अनुमान किया गया। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे, एक शालिहोत्रा और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ के प्रयोजन हैं जो श्रृंगार का एक बड़ा ग्रंथ है, कविता साधारण। घगन के घोर सोर चारों ओर मोरन के अति चित्त चोर जैसे अंकुर मुन्ने रहे कोकिलन की कूक कूक होती भी रहिन ही ये लूक से लगत चीर चारन चुने रहे। झिल्ली झनकार तैसो पिकन पुकार डारी मार डारी डारी दरुम अंकुर सो सुने रहे प्राण प्राण प्यारे जसवंत बिनु कारे पीरे लाल उदे बादर उने रहे। ठीक है, यशोदानंद इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं। सिर्फ सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1828 लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरवे नायिका भेद यशोदानंदन का है ही मिलता है, जो निसंदेह अनूठा है और रहीम वाले से अच्छा तो नहीं पर उसकी टक्कर का है। रहीम ने लिखा है ना बरवे नायिका भेद, तो उससे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है पर उसकी टक्कर का है। इसमें 9 बरवे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधि भाषा में। अत्यंत मधुर और कोमल भाव, अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित, भावुकता की तो भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप सूक्ति समझ लीजिए शुक्ल जी की, तो इसको अलग लिख लीजिएगा। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी ये छोटी सी रचना बहुत बड़ी बड़ी रचनाओं के से मूल्य में बहुत अधिक है। कवियों की श्रेणी में ये निसंदेह ऊंचे स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवे का उदाहरण देख लीजिए, यहाँ से पढ़ लेते हैं, संस्कृत वाला छोड़ देते हैं। अहिरनी मणि के गहिरनी उतरो न देई नैना करें मथनिया मन मथ लेई तुरकिनी जाति हुरुकिनी अति इतराए छुवन न दे इजरवा मुरी मुरी जाए पीतम तुम कचलोई या हम गजबेल सारस से असिजोरियाँ फिरों अकेल। ठीक है, करण कवि ये सटकुल गाने कुब्ज के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदूपति के सभा में रहते थे। इनका कविता काल 1860 के लगभग माना जाता है जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस रसकल्लोल नाम के दो रीति ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य रस में इन्होंने लक्षणा व्यंजना ध्वनि भेद रस भेद गुण दोष आदि काव्य के प्रायः सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से ये एक उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है, इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। एक कवित्त है देखिए, कंटकित तो होत गात विपिन समाज देखी हरी हरी भूमि हेरियो लरजतु है एते पे करन धुनि परत मयूरन की चातक पुकारिते ही ताप सरजतु है निपट चमाई भई बंदुचे बसत गांव पाँव परे जानी के नको बरजतु है अर्ज्यो न मानी तु न गरज्यो चलत बार अरे घन बैरी अब काहे गरजतु है। ठीक है, छोड़ दे रहे हैं उसको, चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरदीन पांडे इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1860 में बाघ मनोहर नाम का एक बहुत बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर
बनाया था, सभी के रचनाकार और रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। आप लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, जो अभी नहीं पूछा जा गया है वही अब पूछा जाएगा। कवि प्रिया में इनकी विशेषता ये है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुणदोष, सब शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। इससे वह साहित्य का एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। आगे आज आने वाले आपकी जो परीक्षाएं, उसमें नई तरह का प्रश्न पढ़ सकता है। उसमें सर्वांग पूर्ण जो ग्रंथ हैं उनको आपको छांटने को कहा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, पद्धतियां बदल रही हैं, पुराने पैटर्न चेंज हो रहे हैं। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण वृत्तों की बड़ी सुंदर रचना, ये अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद देखिए, मुख शशि शशि दून कला धरे कि मुक्तागन जावक में भरे, ललित कुंद कलि अनुहारिन के दसन है ब्रस भानु कुमारी के, सुखदा जंत्रा के भाल सुहाग के, ललित मंद्र किंधो अनुराग के, भुकुटियों ब्रस भानु सुता लसे, जनु अनंग सरासन को हसे, मुकुर्त पर दीपति को धानी, शशि कलंकित राहु बिथा घन, अपर्णा उपमा जग में लहे, तब प्रिया मुख के सम को कहे। ब्रह्मदत्त, ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदय सिंह के छोटे भाई बापू दीप नारायण के आश्रित थे। इन्होंने संवत 1660 में विद्वविलास और 1865 में दीप प्रकाश नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ बनाया। इसकी रचना सरल और परमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा के ये कवित्व देखिए। कुशल कलानी में करण हार करी थी को कवि को बिंदन को कलप तरुवर है, ठीक है। सील सन्मान बुद्धि विद्या को निधान, ब्रह्म मतिमान हंसन को मान सरवर है, दीप नारायण अवनीप को अनुज प्यारो दे, दीन दुख देखत हरत हर बर है, गाहक गुनी को निर्वाहक गुनी को निको गनी गज बकस गरीब परवर है। अब इसके बाद में पद्माकर भट्ट की बात आती है। पद्माकर तो आपको ठीक से पढ़ने हैं, इनको हम अगले वीडियो में अपने स्थान देंगे। तब तक आपका जो आप साथ बना के रख रहे हैं, धैर्य से इस किताब को पढ़ रहे हैं, निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ प्रदान करने वाली है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं इम्पोर्टेंट बताती जा रही हूँ उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइए। निश्चित ही आप इनको जब रिविज़न में लेंगे तो आपको परीक्षाओं में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी देखने वालों का धन्यवाद। अगर आपको ये लग रहा हो कि वीडियोस अच्छे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इनको, ताकि ज़्यादातर लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।